कोई एक महाभाग्यशाली मुमुक्षु आत्मार्थी जीवनी जिज्ञासा प्रश्न स्वरूपे प्रस्तुत थई कि जीवन में मूंझवण घणी छे, समझण केम केळवाती नथी, तत्व पर अड़ग श्रद्धा केम नथी रहती, रुचि केम नथी केळवाती, रुचि में विशुद्धि नो वधारो केम नथी थतो, हताशा निराशा नासीपास थवारूप मूंझवण ज जीवन में केम उभी होई छे, तेनो आगम अने अध्यात्मना आलोक में सचोट समाधान अने थोड़ीक समझण अहीं पूरी पाड़ीए छीए। मोह अने कषायना झेरीला विषेला ओड़कार एटले मूंझवण, मोहनी तीव्रता एटले मूंझवण, मोहावेशी कषायी जीवन पद्धति एटले मूंझवण, नवा नवा अज्ञाननो आविष्कार अने ना समझणनो वधवु ते मूंझवण छे। हजी ए सरल शब्दों में कहीए उपयोगनी अस्थिरता एटले मूंझवण, पुण्य अने पाप प्रत्येनी, पुण्योदय अने पापोदय प्रत्येनी अश्रद्धा एटले मूंझवण, हर्ष अने शोकना प्रसंगों में हरकाई जवू के खेंचाई जवू एवी मनःस्थिति एटले मूंझवण, परिणामों में स्थिरता न होवी ते मूंझवण, तत्वनी दृष्टिनो अभाव ते मूंझवण, तत्वरुचिनो न होवू ते मूंझवण, अने हजी ए सार रूपे कहीए आत्महितनी जे जीवने पड़ी न होए एवो ए जीव विषय कषाय अने संयोगों में जे ध्वंस बोलावे छे खरेखर तो ते बधी ज मूंझवण कहेवामां आवे छे। एने साहित्यिक संस्कृत भाषा में किम कर्तव्य विमूढ दशा कहेवामां आवे छे। किम एटले शू, कर्तव्य एटले करवा लायक, विमूढ एटले न सूझे, शू कराय शू न कराय, साव हताशा साव निराशा साव नासीपास जेवी अनिर्णयात्मक अनध्यवसाय रूप ज्ञाननी दशा, मानसिक स्थिति जेने स्ट्रेस कहेवामां आवे, टेन्शन कहेवामां आवे, एने मूंझवण कहेवामां आवे छे। जारे सत्य मार्गनी श्रद्धा, सन्मार्गनी रुचि, देवगुरु धर्म, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग मोक्षादिक वस्तु व्यवस्था प्रत्ये सभानता ते समझण कहेवाय छे। दिवसे ने दिवसे, क्षणे ने क्षणे, पळे ने पळे तत्वरुचि, तत्वज्ञान अने तत्वस्थिरता, आत्मरुचि आत्मज्ञान अने आत्मस्थिरता में विशुद्धि अने स्थिरता में वधारो थतो जवो ते समझण छे। श्रुतज्ञाननो केवल ज्ञान में भळतू जवू, केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मस्वभाव में लवलीन थतू जवू ते समझण छे। भक्तथी भगवान सुधीनी साधनामां श्रेष्ठता अने त्वरा वधती जवी ते समझण छे। कर्णान योगनी भाषामां कहीए क्षणे क्षणे वधती गुणश्रेणी निर्जरा, असंख्यात गुणश्रेणी निर्जरा,
अनंती गुणश्रेणी निर्जरा शुद्धि में वृद्धिंगत थतु जवू ते समझण छे। आत्मानी समझण ते समझण छे, आत्महितनी समझण ते समझण छे, उपयोग में स्थिरता ते समझण छे, पुण्य ने पाप आदिकना उदयनी विचित्रताओं में पण सहज समभावे वर्तन ते समझण छे। पूर्व कर्मोदयनी विचित्रता ने समझीने ओळखीने निष्कर्म स्वभाव भावनी दृष्टि केळवी ते समझण छे। हर्ष के शोक वगैरे परिणामोती रहित थवानो पुरुषार्थ ते साची समझण छे। अने ज्यां त्यां राग द्वेष रहित थवापणा जेने धर्म कहेवामां आवे छे, ए धर्मनी केळवनी अने धर्मनी समझण वधवी, धर्म पर दृढ़ श्रद्धान वधतु जवू ते साची समझण छे। अज्ञान दशाए अनाधिकाळथी आ जीव मूंझवणमां मुकायेलो छे, मूंझवणने ज भोगवतो आयो छे। ए मूंझवण भरेली परिस्थितिने विराम आपी तत्वज्ञान वडे भक्ति भाव वडे देवगुरु धर्म प्रत्येनी श्रद्धा वडे समझण ने वधारी ने जो के केवल ज्ञान प्राप्त करी शके, सर्वज्ञता प्राप्त करी शके एवी समझणनो पिंड भगवान आत्मा छे। मारो त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा हूँ पोते छूँ एवी बौद्धिक केळवनी एने समझण कहेवाय। कहेवानो अर्थ विषम भावे न वर्तता संभावे वर्तवु, संभावे वर्त्या करवू ते साची समझण छे। अधूरामां पूरू स्वमां रहेवू ते समझण, अने स्व सिवाय बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुजती बाह्य छे ई मूंझवण भरेली स्थिति परिस्थिति होय छे। एटले मूंझवणनो लोप करी समझणनी रंगोळी करी आपणे स्वरूपने स्व स्वभावमां स्थिर थईए एवी मंगल भावना साथे विराम। ओम नमः सिद्धेभ्यः।